फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रबड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 2.5 किलो दूध ले लिया है। इसे हम सबसे पहले उबाल लेंगे। दूध में अब उबाल आ गया है। इसके ऊपर जो मलाई आई हुई है उसे हम साइड पर करते जाएंगे। होने तक हमें इसे पकाना है और इसे साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अभी दूध में मैं 3 चम्मच चीनी ऐड कर देती हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम और पिस्ता भी ऐड कर देंगे। साइड पे मलाई जमी हुई है, इसे हम उतार लेंगे। दूध काफी थिक हो चुका है। अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। रबड़ी के थोड़ी ठंडा होने के बाद इसे हम फ्रिज में थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि रबड़ी ठंडी ही खानी अच्छी लगती है। ठंडी होने के बाद अब हम इसे पिस्ता से थोड़ी सी गार्निश कर देंगे। हमारी रबड़ी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।